म्यूजिक इंडस्ट्री टी सीरीज की नींव रखने वाले गुलशन कुमार को ट्रिब्यूट देने की एक शाम आई जिसका नाम था सुरों के रंग, और वहां पहुंचे हुए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सितारे जैसे शान, अनु मलिक, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, राकेश रोशन, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन, ऋषि कपूर, आर माधवन, बजरंगी भाईजान, सलमान खान भी वहां पहुंचे हुए थे। और सलमान खान ने क्या कहा टी सीरीज और भूषण कुमार के बारे में, सुन लीजिए। Gulshan ji is a great guy, and his son has taken over his legacy, and he is taken to the next level, and he's a dear friend. Father was a dear friend as well, and he's a really nice guy, and I think that he has almost wiped out all the competition with his sheer brilliance and his connections with the film industry, and I wish him all the best. That's it. प्रोग्राम से पहले रेड कारपेट पर इन सारे सितारों ने अपनी मेमोरीज के बारे में बताया जो उन्होंने गुलशन कुमार के संगीत के साथ याद रखे हैं। गुलशन जी के बारे में जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि गुलशन जी अपने मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने एक इतिहास बनाया। मैं एज उनकी बेटी, एज ऑल्सो अ सिंगर, एक बहुत स्पेशल गाना उनके लिए आज परफॉर्म करने जा रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ इस मंच पे परफॉर्म होगा आज पहली बार, जिसका नाम है मेरे पापा। एंड भूषण कुमार ने किस तरीके से अपने पापा को याद किया, सुन लीजिए। बहुत खुशी का मौका है, एक सपना था जो हम पापा का आगे लेके जा रहे थे, उसमें कलर्स ने उसमें अपने रंग डाल दिए और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा जो मेरे पापा का सफ़र था। तो बहुत खुशी है कि इस चीज़ को एक आँख मिल गई कलर्स की। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एंटायर टीम ऑफ कलर्स, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। वेल, बेहतरीन गीतों से सजी हुई एक शाम यूं ही बीत गई, एंड जल्द ही ये टीवी पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा। एंड वी होप जिस तरीके से सितारों ने इस म्यूजिकल महफिल को सराहा है, उसी तरीके का संगीत आने वाले दिनों में भी दर्शकों तक जरूर पहुंचे।